हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बना रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स यहाँ पर काफी थिक नजर आ रही हैं, मीडियम साइज फिंगर्स हैं और काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी डीप कट सीधी खड़ी रेखाएं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, सोसाइटी में काफी अच्छी इनकी पहचान होती है और लोगों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आते हैं। कुछ इस तरह की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स की थिकनेस, यहाँ से जो फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को भी। और अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स की लेंथ, तो यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर को बृहस्पति फिंगर के साथ तो थोड़ी सी ज्यादा लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी नेटिव के भीतर रहती हैं। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एडवेंचरस नेचर का भी बनाता है। ऐसे नेटिव रिस्क टेकर हो सकते हैं और अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते समय रिस्क ले सकते हैं, और इवन कई बार धन को इन्वेस्ट करने के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी जगहों पर भी अपना धन लगा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और अगर हम इनकी बृहस्पति फिंगर की बात की जाए तो बृहस्पति फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, और एक सीधी बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी, और इवन इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी झुकाव होता है ऐसे नेटिव का। आगे आप देख सकते हैं शनि फिंगर को, शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, शनि फिंगर अच्छी थिकनेस में है, जिसकी वजह से एक डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है, डिसिप्लिन फॉलो करने के साथ साथ काफी मेहनती नेचर के भी होते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटीज इनकी ये तीनों फिंगर्स दर्शाती हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इनकी मर्करी फिंगर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है, यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको भी क्रॉस करती हुई अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना व्यक्ति को काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। यह फिंगर जितनी स्ट्रांग होती है उतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ बिजनेस एक्वमेन भी ऐसे नेटिव का काफी अच्छा रहता है जिनकी यह फिंगर लंबाई में हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी फिंगर्स काफी पॉजिटिव हैं, कुछ हल्का सा गैप नजर आ रहा है इनकी फिंगर्स के बीच में जो इस एरिया में, और आपको सूर्य और शनि फिंगर के बिल्कुल बीच में भी इस तरह का एक गैप नजर आ रहा होगा, जिसकी वजह से थोड़ी खर्चीली पर्सनैलिटी रह सकती है। और ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर के होते हैं जिनकी फिंगर्स के बीच में इस तरह के गैप्स हों। ओवरऑल काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स। चलिए आगे बढ़ते हुए इनके सभी माउंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद इनकी मेजर लाइंस को भी चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और शनि माउंट दोनों ही काफी हाई सेट हैं, और यहां से आप देख सकते हैं थोड़ा लो सेट होता हुआ मर्करी माउंट। मर्करी माउंट का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, लेकिन यह नेचर और ज्यादा शाई हो जाती है अगर यह माउंट लो सेट होने के साथ साथ दबा हुआ भी हो, तो यहाँ पर बिल्कुल भी यह माउंट दबा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देख सकते हैं मर्करी माउंट का जो एरिया है
ऊपर की तरफ उठा हुआ है जो इस माउंट को काफी हद तक बैटर कर देता है, और इस माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं, अगर लंबी रेखाएं ऐसे किसी भी नेटिव के हाथ में इस माउंट पर हो, तो ये रेखाएं व्यक्ति को बिजनेस करने की कैपेबिलिटी तो देती ही हैं, साथ ही साथ काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देती हैं। यहाँ पर यह काफी सारी रेखाएं, खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, और अगर यह ब्रेक्स जैसे इनकी रेखाओं में ना हो, जैसे यह कुछ इस तरह से सीधी रेखाएं हो, तो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। और जिनके हाथ पर इस जगह पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले होते हैं, यानी इनके शब्दों में ऐसी ताकत रहती है, इनकी बातों में या इनकी सलाह में, कि दूसरे व्यक्ति इनसे सलाह मांगते हैं और जिसके जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति इन रेखाओं की वजह से सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, और बहुत से लोग जिनके यहाँ पर 7 से 6 से 7 लगभग ऐसी रेखाएं हों, मेडिकल फील्ड में जाकर भी लोगों की हेल्प करते हैं। तो एक तरह की हेल्पिंग पर्सनैलिटी यह रेखाएं बनाती हैं, और जिनके भी यहाँ पर यह रेखाएं होती हैं काफी भाग्यशाली होते हैं, काफी अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। तो यह रेखाएं यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति दिल के काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें यश नहीं मिल पाता, क्योंकि यह रेखा, यह माउंट जब भी अंदर की तरफ दबता है, तो ऐसे नेटिव बेशक दूसरों के लिए कितना भी हेल्प करने का काम करें, बदले में कोई रिवार्ड या यश नहीं मिल पाता। ऐसी दिक्कतें आती हैं जब यह माउंट दब रहा हो, और अगर यहाँ पर एक लंबी रेखा मौजूद हो तब काफी हद तक रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस रेखा की बात करें तो वो भी यहाँ तक ही नजर आ रही है, और कुछ ब्रोकन लाइन इस तरह से। लंबी रेखा से मेरा मीनिंग है कि कोई ऐसी रेखा जो कंप्लीटली सूर्य माउंट तक पहुंचे नीचे से चलती हुई, जिसकी वजह से व्यक्ति को नेम एंड फेम मिले। तो यहाँ पर जो रिकॉग्निशन है, जो फेम है, वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आफ्टर 60 की एज में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो रेखा है हार्ट की लाइन से बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है। हार्ट की लाइन से इस रेखा का ऊपर होना दर्शाता है कि व्यक्ति को जो अच्छी रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, वो 60 वर्ष की आयु के बाद ही मिल पाती है। शनि माउंट की बात की जाए तो शनि माउंट यहाँ पर दबता हुआ, जैसे आप देख सकते हैं यह जो एरिया है पूरी तरह से अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में काफी हार्ड वर्क हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है तभी अपने लाइफ में बेटरमेंट कर पाते हैं, तरक्की कर पाते हैं। और साथ ही साथ शनि माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी हल्की रेखाओं से कुछ ऐसा एक सिंबल बनता नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को फिश का साइन कहा जाता है, और जिनके शनि पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति का ऑकल्ट चीजों में काफी ज्यादा रुझान होता है। ऑकल्ट साइंसेस जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जिनके जरिए हम भविष्य को जान सकते हैं, या जिनके जरिए हम व्यक्ति की नेचर को जान सकते हैं। तो ऐसी चीजों में ऐसे नेटिव का काफी ज्यादा रुझान रहता है जिनके शनि माउंट पर ऐसा चिन्ह बनता हो। और आप देख सकते हैं इनके जो इनकी भाग्य रेखा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइट है, इसकी वजह से मेहनत काफी रही होगी इनकी लाइफ में, लेकिन तरक्की भी यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर आकर एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं हैं जो ओल्ड एज को इंडिकेट करती हैं। ओल्ड एज में यहाँ पर इनकम बरकरार रहेगी, थोड़ी मेहनत भी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक काम करते रहते हैं जिनके हाथ पर भाग्य रेखा मौजूद हो, बेशक छोटे टुकड़ों में ही मौजूद हो, लेकिन यह भाग्य रेखा व्यक्ति को कहीं ना कहीं से धन लाभ जरूर देती है। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को। गुरु माउंट का जो एरिया है यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ नजर आ रहा है, और इस माउंट पर अपवर्ड जाने वाली एक स्ट्रॉन्ग लाइन नजर आ रही है, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं जिनके बृहस्पति माउंट पर ऐसी लंबी रेखा मौजूद हो या कुछ आड़ी रेखा इसके साथ हो, तो स्पिरिचुअलिटी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं। आगे देखते हैं इनके इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, और एक हल्का विष्णु सिंबल यहाँ पर बनता हुआ, बहुत ज्यादा
बड़े साइज में नहीं है, इस तरह का बाइफोर्क्ड हार्ट की लाइन हो तो इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिनके हाथ पर ऐसी रेखा बनती है, ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर गलत रास्ते से यानी किसी शॉर्टकट से या अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश करें तो लाइफ में तरक्की जो है वो रुक सकती है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसके साथ साथ इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल सैटर्न माउंट के नीचे रुकती हुई, थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक टाइप की अप्रोच व्यक्ति को देती है यह रेखा। और कुछ ऐसी रेखाएं, कुछ ब्रांचेस नीचे की तरफ चलना इस रेखा के दर्शाता है कि ऐसे नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना लाइफ में करना पड़ेगा। और कुछ इस तरह से जब यह रेखा डबल होती है तब भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट के बाद इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है, आप देख सकते हैं माइंड लाइन जो है यहाँ पर इनकी कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे को झुककर चलती हुई, जो इंडिकेट करती है काफी शार्प माइंड को और काफी ज्यादा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति इमेजिनेशन काफी ज्यादा करते हैं। और अगर देखा जाए यह रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा जुड़कर नहीं चल रही, दोनों रेखाओं में हल्का सा गैप नजर आ रहा है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में, जो दर्शाता है कि काफी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी यह रेखा व्यक्ति को देती है, अदरवाइज काफी अच्छी माइंड की लाइन इनकी, माइंड जो है काफी शार्प रहने वाला है। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ अंत में चलकर एक फिश जैसा सिंबल क्रिएट करती हुई, कुछ इस तरह की इनकी लाइफ लाइन है। और यह रेखा यहां पर अंत में आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का एक सिंबल यहां पर बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह जब इस रेखा के बिल्कुल अंत में बनता है, यह इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव को लाइफ में फॉरेन ट्रैवल का चांसेस जरूर मिलता है और ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होने के चांसेस रहते हैं लाइफ में, क्योंकि यह केतु एरिया है और केतु एरिया के ऊपर ऐसा चिन्ह व्यक्ति को सडन वेल्थ गेन देता है लाइफ में, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने की संभावना यह रेखा बढ़ा देती है जब भी ऐसा चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बन रहा हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनके जो इनका जो मंगल माउंट है, मंगल माउंट के ऊपर एक काफी अच्छी मंगल रेखा नजर आ रही है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टैमिना तो भरपूर रहता है व्यक्ति के भीतर, और साथ ही साथ इस रेखा के होने की वजह से ऐसा नेटिव अपनी लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेता है। और अगर देखा जाए इनके शुक्र माउंट को, शुक्र माउंट का जो एरिया है काफी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं, और यह माउंट व्यक्ति को थोड़ा खर्चीला भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा खर्च करने वाला होता है और खास तौर पर अपने कंफर्ट से ऊपर खर्च करने वाला होता है, और थोड़ी कामुकता ऐसे नेटिव के भीतर अधिक हो सकती है वीनस के प्रबल होने की वजह से। और अगर हम बात करें इनकी लाइफलाइन की लंबाई की, तो लाइफलाइन काफी अच्छी लंबाई में है, लगभग इस एज तक 80 के आसपास, 80 से भी थोड़ी ज्यादा एज होने की संभावना रहेगी, एक लंबी एज इंडिकेट कर रही है। और चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट बिल्कुल क्लियर है, चंद्र माउंट के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव लाइंस का ना होना दर्शाता है कि व्यक्ति की माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।